नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। सुबह से कुछ प्लेटफॉर्म्स, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो एक मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये दर्शाने की कोशिश करी कि अब व्हाट्सएप पर डाटा सुरक्षित नहीं है, आपकी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, आने वाले समय में आपका डाटा जो है वो लीक कर सकता है व्हाट्सएप। बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी। हालांकि हम उन सारी बातों का खंडन करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अपने दर्शकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, तो तमाम जितने भी लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो फेसबुक यूज़ करते हैं, उनके लिए एक अहम जानकारी लेकर आया हूं और कुछ फॉल्स र्यूमर्स जो हैं इस समय हवा में उड़ रहे हैं और लोग काफ़ी उसको शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिससे लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। क्योंकि इस समय अगर बात करें तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक अलग रोल है। ज़िंदगी इसके बिना यूं कहूं थम सी जाती है। हर एक इंसान आज अपनी ज़िंदगी में इन प्लेटफॉर्म्स के बिना जीना नहीं समझता, मैं ऐसा कहूंगा। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम हमारी कनेक्टिविटी जो अपनों के साथ है, हर किसी के साथ है, वो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही है। और सुबह से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, पहले तो मैं आपको वो मैसेज दिखाना चाहूँगा। इस तरीके का एक मैसेज शायद आप तक भी पहुंचा होगा और इसी मैसेज के जरिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो रहे उन्होंने काफ़ी जो था वो न्यूज़ चलाई और बताया कि अब जो है गवर्नमेंट और व्हाट्सएप यूज़र्स जितने भी हैं उनका डाटा गवर्नमेंट और व्हाट्सएप जो है वो लीक करेगा, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करेगा। ये आप तक भी पहुँच रही होगी इन्फॉर्मेशन और जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, अगर आप तक भी ये मैसेज पहुँचा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ये एक फॉल्स मैसेज है, ये एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि लगातार न्यू गाइडलाइंस जो थी वो जारी की गई थी प्राइवेसी के लिए, अगर बात करें टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें एक 3 महीने का समय की अवधि दी गई थी जो 26 तारीख को ख़त्म होनी थी। उसके बाद तमाम प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, भारत सरकार ने निर्देश दिए थे कि आप लोग नई गाइडलाइंस जो है उन्हें फॉलो करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बैन किया जा सकता है। ये नहीं कहा था कि आपको बैन कर देंगे, उन्होंने कहा था किया जा सकता है। बाद में रूमर्स ये उठने लगे कि आप बैन होगा, क्या बैन होगा। उसके बाद न्यू गाइडलाइंस को लेकर व्हाट्सएप जो था वो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुँचा और अब बेंच जो है उसकी अध्यक्षता के अंदर उसकी जो कार्य है वो किया जा रहा है और केस जो फाइल किया गया था उसकी निगरानी में केस जो है उसको देखा जा रहा है। उस बेंच की अध्यक्षता की बात करूं तो आज सुबह से एक मैसेज काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें यह लिखा हुआ आ रहा है कि अगर एक टिक बजेगी, दो टिक बजेंगी, 3 टिक बजेंगी तो क्या होगा। 3 टिक बजेंगी तो गवर्नमेंट आपका डाटा मॉनिटर करेगा, गवर्नमेंट के पास आपका मैसेज पहुंच गया है, गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगा, व्हाट्सएप आपका कॉल रिकॉर्डिंग करेगा। इस तरीके के मैसेज काफ़ी र्यूमर्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं और किस तरीके का मैसेज ये व्हाट्सएप पर आ रहा है मैं वो भी दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। ये कुछ इस तरीके का मैसेज है, ये व्हाट्सएप पे आ रहा है जिसमें ऊपर सबसे ऊपर बेस में लिखा हुआ है दी न्यू कम्युनिकेशन रूल्स फॉर व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप कॉल्स वॉइस एंड वीडियो कॉल्स विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो। ये इस तरीके का मैसेज है जो काफ़ी लंबी चिट्ठा लिखा हुआ है इसमें और नीचे 1 टिक 2 टिक 3 टिक 3 टिक में लिखा हुआ दी गवर्नमेंट टुक नोट टू दी मैसेज टू ब्लू, 2 टिक्स होंगी ब्लू होंगी तो मैसेज जो है गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इस तरीके का र्यूमर्स जो है वो काफ़ी फैलाए जा रहे हैं और जम्मू की अगर बात करें तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने भी इस न्यूज़ को चलाया और हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ र्यूमर्स था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल व्हाट्सएप की अगर बात करें तो व्हाट्सएप अभी हाईकोर्ट में क्या हुआ है, न्यू गाइडलाइंस के खिलाफ उसने पटिशन दायर करी है, उसका केस चल रहा है। अब 2 दिन का समय और बढ़ाया गया है आगे, अब क्या रहेगा निर्णय, क्या नहीं रहेगा, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं बताऊँगा। लेकिन पहला सवाल, क्या व्हाट्सएप जो है वो रिकॉर्ड करेगा हमारी कॉल्स या रिस्टोर करेगा हमारा डाटा, इस सवाल का जवाब देता हूँ। और FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस रहते हैं व्हाट्सएप से, जब पूछा गया तो व्हाट्सएप ने साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि मैं ना तो कॉल्स को रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं सुनता हूँ जो मेरे यूजर्स रहते हैं, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है। हम किसी भी अपने जितने भी यूजर्स हैं हम उनका एंड टू एंड क्रिप्टेड डाटा जो है वो रखते हैं, यानी कि वो डाटा ना तो व्हाट्सएप स्टोर करता है अपने पास ना ही कुछ, आपका डाटा आपके गूगल ड्राइव में ही सेव होगा। अगर आप डिलीट करते हैं तो आप अपनी गूगल ड्राइव से रिट्राइव कर सकते हैं उसको, लेकिन व्हाट्सएप का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये व्हाट्सएप ने खंडन करते हुए कहा। दूसरा सवाल जो सबसे अहम महत्वपूर्ण सवाल है, क्या
आप जो भी शेयर करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ आके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस पर भी उत्तर देता हूँ, अगर आप कोई भी पोस्ट ऐसी सोशल मीडिया पर जो डालते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा ना तो गवर्नमेंट भारत सरकार ने कोई लाभ बनाया अभी तक, ना व्हाट्सएप यूज़र ने किसी तरीके का भी लाभ बनाया हुआ है व्हाट्सएप जो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एक सरकार ऐसी है जो बिहार है, बिहार ने जो है रिसेंटली एक लाभ बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी पोस्ट जो है वो वायरल करेगा, और चाहे व्हाट्सएप है चाहे फेसबुक है चाहे ट्विटर है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो जो है वो उसको जो है वो सरकार के खिलाफ माना जाएगा, तो ये क्राइम माना जाएगा। ये बिहार सरकार ने बनाया था। फिलहाल सेंट्रल स्टेट्स जो हैं या जम्मू स्टेट्स जो है अभी तक ऐसा कोई लॉ जो है वो नहीं दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल था, क्या व्हाट्सएप जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू टिक जो इंडिकेट करेगा गवर्नमेंट सर्विलेंस, यानी कि कोई ऐसी टिक्स आ रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर जो गवर्नमेंट जो है वो नज़र बनाए रखेगा लोगों के ऊपर जो यूजर्स व्हाट्सएप के ऊपर है। तो व्हाट्सएप ने सिरे से खंडन किया है और सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। अगर सरकार को ऐसा करना भी होगा तो सरकार दिखाएगी नहीं, पहले तो सरकार बताएगी नहीं आपको कि हम आपके सर्विलेंस बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि अगर आपके इतने मिलियन यूजर्स हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे तो आपको जो है वो एक नोडल ऑफिसर जो है वो रखना पड़ेगा ताकि सर्विलेंस जो है वो रख सके और वो जब भी हम डाटा चाहिए हो तो वो डाटा हम तक पहुंचा सके, ऐसा सरकार ने कहा था। वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ था, अभी गाइडलाइंस जो है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं की है ना फेसबुक ने ना व्हाट्सएप ने ना ट्विटर ने। ये अहम जानकारी है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो ये जो ब्लू टिक्स बज रही थी जिसका काफ़ी जो है वो हवाला दिया जा रहा है और काफ़ी हवा में उछाला जा रहा है कि एक टिक बजेगी तो मैसेज सेंड, दो टिक बजेंगी तो मैसेज डिलीवर, तीन टिक बजेंगी तो गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखेगी, अगर तीन टिक के बाद दो टिक बजती हैं तो गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, और अगर आप तीन टिक बजेंगी एक ब्लू और दो रेड गवर्नमेंट इज स्क्रीनिंग योर डाटा, यानी कि आपका डाटा जो है वो गवर्नमेंट स्क्रीन कर रही है, अगर तीन रेड टिक बजेंगी तो गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एक्शन, यू विल रिसीव अ समन फ्रॉम कोर्ट। तो ये जो टिक्स का मसला था फिलहाल ये फेक न्यूज़ है, ये इससे कोई लेना देना अभी तक व्हाट्सएप का या फेसबुक का नहीं है। जितने भी व्हाट्सएप यूज़र्स हैं जितने भी फेसबुक यूज़र्स हैं आपका डाटा सुरक्षित है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें जम्मू ग्रीवियंस सेल की बात करें, जो जम्मू साइबर क्राइम सेल है उसने कुछ एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी का आप भी सुन लीजिए क्या एडवाइजरी है, और इस एडवाइजरी का ही पालन आप लोग भी करें तो आप लोगों के लिए भी सुरक्षित रहेगा सेफ रहेगा। सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि इंटरनेट जो है वो परमानेंट है और आपको अज्यूम करना है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार इंफॉर्मेशन साइट पर डाल दी तो वो फॉरएवर रहेगी, यानी कि अगर आप डिलीट भी कर लेंगे उसको तो वहाँ से वो डिलीट नहीं हो सकती, वो वहाँ पर सेव रहेगी, आप फिर से जब उसको खोलेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगी, ये कहना है। और दूसरा, अगर आप सिलेक्टिव किसी फ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं फेसबुक पर या ट्विटर पर तो आप पहले जान लीजिए कि आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मे भी कोई आपके डाटा को चोरी कर उसको मिसयूज़ भी कर सकता है, व्हाट्सएप उसकी या फेसबुक उसकी जो है वो आपको एश्योरेंस या एश्योरिटी जो है वो नहीं देगा कि वो इंसान सेफ है कि नहीं है, वो आपको खुद लेनी पड़ेगी। तीसरा, अगर आप जो है किसी भी एक्सरसाइज अगर आप कोई करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं या हैकर्स जैसे भी रहते हैं तो आपको जो है वो फ्री का जैसा देते हैं कि आप इस पे क्लिक करिए आपको ये मिलेगा, इस पे क्लिक करिए ये मिलेगा, तो वो फेक होते हैं, आप उन पे क्लिक ना ही करें तो बेटर रहेगा क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे जो है वो जा सकते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि अपनी सेटिंग को मैनेज करिए, यानी कि आप वही चीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो चीज़ आपको लगे कि वो फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती, यानी कि कोई ऐसा डिसीजन जो कभी ओवर रूल नहीं हो सकता, या वो बात शेयर करिएगा जिस पे गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। तीसरी, आप अवेयर रहिएगा उस इन्फॉर्मेशन से, आप अवेयर रहिएगा इन्फॉर्मेशन से कि अगर आप जो आपने अकाउंट लिंक किए होते हैं दूसरे अकाउंट के साथ, यानी कि आपने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम या ट्विटर के साथ फेसबुक जो है वो लिंक की होती है, अगर आप ट्विटर पे कोई चीज़ पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे चला जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके तमाम दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे फोन कॉल्स आपके पास आती हैं, ये भी कहना है साइबर सेल साइबर क्राइम सेल जम्मू का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपनी GPS फंक्शन जो है उसे ऑफ रखें और स्मार्टफोन कैमरा जो है उसको भी ऑफ रखें, अगर कोई आप जो इमेजेस ऑनलाइन जो रहती हैं आपकी, क्योंकि अगर डाटा जो है अगर GPS जो है ऑफ नहीं रहा तो आपकी डिवाइस जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, वो पब्लिक हो जाएगी और कोई हैकर्स रहेंगे तो वो आपके डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने जो पासवर्ड्स हैं
पासवर्ड्स जो भी आप रखते हैं उनको रेगुलरली चेंज करते रहिए, यानी कि आप अपने पासवर्ड्स जो हैं वो सेम नहीं रखिए, उनको चेंज करते रहिए रेगुलरली पीरियड ऑफ टाइम पर, क्योंकि आज की दुनिया में लोग बहुत तेज़ हो चुके हैं। अगर आप पासवर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं रखते तो लोग आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं और उन पासवर्ड्स को हैक करते हैं, बाद में आपके डाटे को यूज़ भी करते हैं। बड़ी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं लोगों की कि उनकी फेक आईडीज़ बनाकर लोगों से पैसे भी हड़पे जा रहे हैं, ऐसे मामले भी बड़े सारे आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ये पूरा मामला भी आप तक रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सुबह से जम्मू के अंदर सोशल मीडियाज़ पर एक खबर चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, फेसबुक पर वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करेगा व्हाट्सएप फेसबुक, फिलहाल हम इस सिरे से खंडन करते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी एडवाइजरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने नहीं निकाली है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो उसने नहीं निकाली है। फिलहाल के लिए इतना ही और मैं ये इन्फॉर्मेशन चाहूँगा क्योंकि इस वक्त तो फेक न्यूज़ जो है ये काफ़ी वायरल हो रही है और ये मैसेज जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो ये मैसेज को इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि ऐसी फॉल्स न्यूज़ को आप जो है वो हवा ना दें, उनको आप शेयर ना करें लोगों तक, क्योंकि इस समय अगर ऐसी चीज़ें हम जो है वो शेयर करेंगे तो एक माहौल जो बनता है वो एक नेगेटिव माहौल बनता है और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारा डाटा जो है वो चोरी हो जाएगा, हमारा डाटा जो है वो लोग हैक कर लेंगे, हमारी फोटोज़ हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, पर्सनल स्टफ रहता है इंसान का फ़ोन के अंदर, क्या वो भी जो है व्हाट्सएप जो है वो अपने पास रख लेगा और लीक कर देगा। तो ये तमाम चीज़ों का खंडन करते हुए व्हाट्सएप ने और जम्मू साइबर क्राइम सेल की अगर बात करें तो उन दोनों ने एडवाइजरी जारी करी है, उन्होंने कहा सिरे से इस चीज़ का हम खंडन करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ फिलहाल के लिए अभी जारी नहीं की गई है और जो मैसेज सुबह से सर्कुलेट हो रहा है वो मैसेज सरासर वो जो है वो फेक है। ये एक अपडेट था जो अब तक पहुंचाने की कोशिश करी, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर, मुझे देते डोगरा को दीजिए इजाजत, जय हिंद।